वेलकम टू फूड टाइम इजी रेसिपी। आज मैं आपके लिए एक और नई डिश लेकर आई हूँ, हैदराबादी अंजीर का मीठा। ये बहुत ही टेस्टी डिश होती है और बनाने में भी बहुत इजी होती है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा किलो पके हुए अंजीर, एक कप शक्कर, आधा कप पानी, 10 से 15 कटी हुई काजू, 1 टीस्पून देसी घी। हम अंजीर को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उसका पीछे का जो पार्ट है से इस तरीके से रिमूव करेंगे और रफली से चॉप्ड करेंगे। सभी अंजीर को हम इस तरीके से चॉप्ड कर लेंगे। इस तरह से हम सभी को चॉप्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी अंजीर को रफली चॉप्ड कर लिया है। एक पैन लेंगे, इसमें अंजीर डालेंगे या तो आप हैवी बॉटम बर्तन लें और इसका पानी छूटने तक आप इसे ऐसे ही रखेंगे। आप ऐसे अंजीर चुनें जो बहुत सॉफ्ट और पके हुए हो, उससे उसका टेस्ट और उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हम इसे 2 मिनट गरम होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर लिया है हमने 1 कप से भी थोड़ा कम शुगर लेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसमें ऐड करेंगे पानी, ये 1/2 कप लिया है हमने, और हम इसे पकाएंगे जब तक कि शुगर मेल्ट नहीं हो जाती और सभी अंजीर सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। शक्कर मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, स्पून की मदद से अंजीर को थोड़ा थोड़ा ऐसा दबाकर कट करेंगे ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए जल्दी से और नरम हो जाए। आप इसे चेक करेंगे कि अंजीर का छिलका सॉफ्ट हुआ है या नहीं। अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो आप और इसे इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से मैश कर ले। पूरा हमें मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा खाने में अगर वो आता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप पके हुए ही अंजीर ले, अगर आप पके हुए अंजीर लेते हैं तो इसमें कलर भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस इसे इसी तरह से जब तक पूरा अंजीर गल नहीं जाता हम इसे पकाएंगे। आप इसे 5 मिनट के लिए ढक दें कम आंच पर और इसे पकने दें ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह से पक गया है और इसका छिलका भी सॉफ्ट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, आप इसे चेक करेंगे कि ये मीठा है या आपको इसमें और मीठा चाहिए। इसमें शक्कर कम लग रही है थोड़ी, तो हम इसमें और थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे काजू, वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर से इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर रख दें। और 2 मिनट हो चुके हैं, हमने निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप ज्यादा घी ना डालें। इसका कलर देखें आप किस तरह से इसका कलर आया है, बस आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहें ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। बनकर रेडी हो गया है, हम इसे और 1-2 मिनट पकाएंगे, इसे बंद कर देंगे।
ये पक चुका है, हम इसे बंद कर देंगे और हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे और जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा हम इसे आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो करें, ये ऑप्शनल है। आइसक्रीम के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। हैदराबादी अंजीर का मीठा बनकर रेडी हो गया है। इंजॉय करें आप मेरी रेसिपी को, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।